जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मेरे नौकरी का 5-6 महीना हो गया है, तो इसमें हम लोग का कैसा लग रहा है, इसका क्या एक्सपीरियंस है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। और अभी तक नौकरी शुरू में लगा था तो बहुत एक्साइटेड था कि वर्दी वाला जॉब है, कोई दिक्कत ना है। तो शुरू का एक महीना तो हम लोग का ज्वाइनिंग में ही जो प्रोसेस है उसमें बीत गया। और जब हम लोग का ड्यूटी पड़ने लगा तब थोड़ा लगा कि ना सही नहीं है, मतलब 2 महीना तक दिक्कत लगा, लेकिन फिलहाल जो है अभी अच्छा लग रहा है और इसमें लाइफ बन सकता है, मतलब आगे तक बढ़ सकता है। पर मुझे अभी आगे भी तैयारी करना है, तो अभी BRSC में तैयारी में लगा हुआ हूँ अभी फिलहाल। और जहाँ तक बात है सैलरी का, वो भी आ चुका है लेकिन बहुत लेट से आया, लगभग 5-6 महीना बाद ही हम साढ़े चार महीना बाद हम लोग का सैलरी गया। उसके पहले घर से ही मंगा कर खाना पड़ता था, खाना होना। अब आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ आ गए तो खाना खुद सरकार देगी, कपड़ा खुद देगी, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सिर्फ आपको पैसा देगी, बाकी सब कुछ खुद से ही करना है। हाँ, मेन जो है वो लाइन में ही रहता है, मतलब उसमें पैसा पेड करना होता है तब मेन चलता है, वो सरकार द्वारा नहीं होता है कि वहीं खोल के। हाँ, ये जरूर है कि खाना बनाने वाला व्यवस्था रहता है, रूम वूम सब बनाए रहता है, और उसी में कोई सिपाही उसका बन जाता है आपका मेस मैनेजर, और उस तरह से खाना वाना का व्यवस्था सही रहता है। अब जो बनाना हो उस तरह से बनाता है लोग, और महीनवा दिन जितना खर्च हुआ और औसतन निकाल के सब पर प्लेट कितना गिर रहा है वो जोड़ के पैसा दे देता है लोग, तो खाना वाना वाला ठीक है। और नौकरी का है जो देखिए, हर जिला का अलग अलग तरीका है वहाँ के, इस तरह से जॉब मतलब नौकरी कराना है। हम लोग का जो है अभी तक तो हम लोग लाइन में ही है, लेकिन कुछ दिनों में थाना जाएंगे। और जिला में बहुत सारे लड़का को ज्वाइनिंग करा के ही 10 दिन बाद डाल दिया गया था थाना में, पर हम लोग का ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि पहले से भी अवेलेबल है ड्राइवर लोग, तो इसलिए जगह खाली ना होने के कारण हम लोग वो लोग छुट्टी में जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं डिलीवर में, या फिर किसी का परमानेंट भी कर चुका है, तो इस तरह से हो रहा है। और मैं सोच रहा हूँ इस चैनल में वीडियो और तरह से बनाऊँ, तो किस तरह का बनाऊँ मुझे कमेंट में सजेस्ट करिए। और जो पेमेंट का क्या किस तरह से क्या मिलता है आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि कितना रुपया मिला है, तभी मैं शो करूँगा। इस वीडियो में कुछ नहीं बताऊँगा कि कितना पेमेंट मिला, क्या क्या मिलता है और क्या क्या अलाउ होता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आगे मैं क्या बनाऊँ। चलिए, अब डिप्टी के बारे में मैं पहले भी थोड़ा सा बात किया था, लेकिन अभी मैं पूरा विस्तार से बोल रहा हूँ। देखिए, ड्यूटी में क्या फर्स्ट चीज़ की हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, और इससे पहले क्या होता है सिपाही लोग भी होता है, तो पहले ड्राइवर का वैकेंसी नहीं आता था तो बहुत सारे सिपाही ड्राइवर में DO कराकर गाड़ी चला देते हैं, लेकिन अब क्या हो गया स्पेशल हो गया है, सिर्फ ड्राइवर का ही बहाली आया है और उसके तहत हम लोग ज्वाइन किए हैं। तो अब जो व्यवहार है, जो ऊपरी अधिकारी लोग हैं दरोगा DSP SP, और दरोगा DSP तक तो मतलब होता है ना कि कांस्टेबल का जो वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू मुझे लगता है कि ड्राइवर लोग को मिल रहा है, क्योंकि हम लोग कोई भी इज्जत से बात कर रहा है ड्राइवर साहब, चाहे कांस्टेबल हो या दरोगा हो या ASI हो, मतलब अच्छा लग रहा है कि हाँ चलिए हमें भी मतलब फीलिंग नहीं होता है उस तरह का आ रहा है कि हाँ ठीक है कांस्टेबल है, तो मैं कहूँगा कांस्टेबल से बहुत अच्छा है बिहार पुलिस ड्राइवर। अगर आएगा फॉर्म तो मैं ज़रूर बताऊँगा चैनल पर कि आगे आए फॉर्म डालिए और किस तरह से तैयारी करना है उसके बारे में मैं सजेस्ट करूँगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि इसमें फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे तभी जाकर मुझे वीडियो बनाने में भी आनंद आएगा। और आपके अनुसार आपको छूट गया हो जो भी नहीं बता पा रहा हूँ तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगले वीडियो में इसको ज़रूर ऐड कर दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।